क्विक ग्लेंस में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RC 200 का नया ब्लैक कलर, क्या क्या चीज चेंजेस है वो थोड़ी देर में पूरा भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंजन से शुरू करते हैं। 199.5 का डिस्प्लेसमेंट जिसमें लगभग आपको 25 BHP का पावर देता है जो आप वाकई में। इसके अलावा और क्या क्या चीजें चेंज है, तो ये जो पूरी तरीके से ब्लैक भाग देख रहे हैं इसमें क्या चीज ब्लैक है और क्या थोड़ा सा ग्रेश या दूसरा पैटर्न है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये आपको जो टंकी का ये मेटल भाग है ये पूरी तरीके से ब्लैक मिलता है, वो चीज़ अ प्लस पॉइंट, जो कि शाइनिंग इनपुट में है। वहीं पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये वाला आपको थोड़ा सा ब्लैक के लोअर वर्जन विथ अ टचिंग ऑफ द ग्रे पैटर्न ये आपको मिल जाता है। एंड बेस्ट पार्ट इस कलर का मुझे ये लगा कि ऑरेंज को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी है, जिसमें ये भाग और ये वाला भाग ऑरेंज है और नीचे थोड़ा सा आपको मिल जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये शाइनिंग पोर्शन है, वहीं पर आप मडगार्ड की तरफ जाएंगे तो ये आपको मैट फिनिश में मिल जाता है। शाइनी पोर्शन का एक बेस्ट भाग है जो क्रिस्टल टच है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसे हाईलाइटिंग बना रहा है, जो मैं इस भाग से आपको दिखाता हूँ तो ये पूरी तरीके से ब्लैक आपको उभर के दिख रहा होगा और वहीं पर ये थोड़ा सा ग्रेश पैटर्न लग रहा होगा। दूर से उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, पर हाँ वहीं पर क्लोज बाय देखेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रेयर ऑन एंड डिफरेंस मिल जाता है। सामने के लुक से ऑलरेडी बहुत सारे लोग उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कलर इज कि इस साइड से ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। अब एक मेजर कंसर्न बता देता हूँ कि नया अपग्रेडेशन है तो कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो मेरे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में इस खूबसूरती की कीमत जा रही है 256,000 रुपीज़। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, तो उतना ज़्यादा वेरिएशन डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलता है। इसके बाद ये भी मैट पोर्शन है और मैं एक राइडर पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि अगर मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो वो कैसा रहेगा। तो गाड़ी को मैं इस प्रकार से अगर चालू करूँ तो एक ज़बरदस्त अटैचमेंट वाले हैंडल बार, जिसकी WP पिस्टन की शुरुआत जो शॉकअप है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, दोनों में इनपुट दिख जाएगा। लेफ्ट साइड अपर डिपर के लिए ये, इंडिकेटर के लिए ये हॉर्न है और इंजन किल स्विच यहाँ पर, ये आप ऑलरेडी वही चीज़ से वाकिफ हैं तो इसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम आता है। ABS कितने टाइम हो रहा है, कितने RPM में गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर में चल रही है, गियर इन्फो, ओडो और ऑयल के इंडिकेशन इसमें मिल जाता है देखने। वहीं पर मैं नज़रों को थोड़ा सा नीचे झुकाऊं तो जो मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि कौन सा पोर्शन सबसे ब्लैकिश है, तो ये क्लोज बाय से आप देख लीजिएगा, ये ग्लॉसी टच में है और यहाँ पर जो पिछला भाग है ये थोड़ा सा आपको मैट फिनिश में मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसे रखूं और इस तरफ से भी दिखाऊं तो सेम वही अट्रैक्शन मिल जाता है। थोड़ा सा ऑरेंज इनपुट यहाँ पर है, ये रहा शॉकअप और पीछे के बैकलाइट, जिसमें कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ क्या सेक्शन मिलता है, तो 150x60 R17 inch के इस ग्रिप के साथ आपको मिल जाते हैं पैटर्न। और जो मैं इसका बेस्ट पार्ट है वो भी एक बार आपको जला के बता देता हूँ, विच इज इंडिकेटर। इंडिकेटर का ब्लिंकिंग काफ़ी डिसेंट और बेहतर है, जो ये फ्रंट का है, और वहीं पर अगर मैं पीछे दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा है। तो ये रहा क्विक ग्लेंस स्पेशली अबाउट द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्हीकल। आपको कितना बेहतर लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या नया अपग्रेडेशन में ड्यूक का जो ब्लू कलर है वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, दोनों के कंपेरेबल टर्म में क्या ये बेहतर है पुराने वाले से और वो क्यों है, कमेंट डाउन बिलो। साथ ही साथ ऑन रोड प्राइस भी बताइएगा, ताकि इंडिया के ऑल ओवर कहीं भी अगर दूसरे देख रहे हो तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।